जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए और मैं भी सही हूँ। आज जो हम बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और इसमें मैं आपको जॉब के रिगार्डिंग बात नहीं करने वाला हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो क्या ज़रूरी देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास में कॉल्स वगैरह और मैसेज वगैरह व्हाट्सएप पर आए, तो उससे रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरा कमेंट बॉक्स जो है बंद है, वो तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे भाई बंधुओं ने मेरे पास में व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट किया और मुझसे बोला कि भाई आपने जो है अपना कमेंट बॉक्स क्यों बंद किया हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स मैंने इसलिए बंद किया हुआ, जैसे कि आपने पहले वीडियो देखी होंगी तो उनमें बहुत सारे भाई बंधु नंबर छोड़ देते हैं अपने, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो नंबर छोड़ते हैं और बोलते हैं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो वहाँ पर मैं तो कॉन्टैक्ट कर नहीं पाता हूँ, और वहाँ पर अदर लोग जो हैं कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ में जो होता मिसबिहेव हो जाता किसी कारण, और तो पेमेंट वगैरह वो कर देते हैं। तो एक दो बार वो इस तरह के मुझे कॉल वगैरह आए तो मैंने सोचा कि वो बंद किया जाए। और बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि वहाँ पे गलत कमेंट भी डालते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो गया कि जो लोग हैं एजेंट लोग हैं वो लोग भी वहाँ पे गलत कमेंट डालते हैं, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया। मैंने कि दोनों चीज़ें सेव हो जाएंगे, ना गलत चीज़ें सुनेंगे और ना ही वहाँ पर कोई किसी के साथ में गलत होने की संभावना रहेगी। तो दोनों चीज़ों के हिसाब से मैंने वो कमेंट बॉक्स बंद कर दिया, और उसके बारे में बाद में मैं आपको बता देता हूँ। एक जो थी वो मेन चीज़ ये थी कि बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि सर आप कहाँ पे मिलोगे, तो भाई मैं आपको बता दूँ क्लियरली कि मैं जो हूँ लगभग 2-3 ऑफिस से मेरा लिंक है, और मैं डायरेक्टली जो हूँ ऑफिस से वाले मुझे डिमांड भेजते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ना कि मेरा ऑफिस है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें, और क्योंकि बहुत सारे भाई ने पूछा कि भाई आप कहाँ मिलेंगे, हालांकि ऐसा होता मैं डायरेक्टली ऑफिस का भी नंबर डायरेक्टली आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं देता क्योंकि उन लोगों ने मना किया हुआ है कि हमारा डायरेक्टली आप नंबर ना दें, क्योंकि हमारा बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि टाइम ज़्यादा ख़राब होता है, कि खाली 95% लोग ऐसे होते हैं खाली क्वायरी के लिए फ़ोन करते हैं, तो उन लोगों के पास में ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो आपके लिए खाली कॉल अटेंड करें और आपको खाली इन्फॉर्मेशन दें। तो जो लोग फ़िल्टर होते हैं, यानी कि फ़िल्टर होने के बाद में मतलब जो लोग जाने वाले होते हैं 5%, मैं उन्हीं लोगों को जो है ऑफ़िस का एड्रेस देता हूं और वो ऑफ़िस में जाते हैं, बात करते हैं और उनकी क्लियर डील हो जाती है, तो वो चले जाते हैं। और बात रहती है कि भाई बहुत सारे मरतबा ऐसा हुआ कि जाहिर सी बात है जो ऑफिस है मैं तो उसके सामने गया, बात की, तो उसी टाइम बहुत सारे भाई बंधु आए जिनका काम हो रहा था पहले से ऑलरेडी, और जिन लोगों का काम ऑलरेडी चल रहा था तो वो मेरे से मिले तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने जो है लीगल ऑफिस जो हैं, जो लीगल ऑफिस हैं जो अच्छे से काम करते हैं, आपका पैसा बिल्कुल सेव रहे, और उन्हीं ऑफिस का वीडियो बनाऊं और उन्हीं में आपको ज़्यादातर मैं भेजूं, और वहाँ पे मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से मैं भी मिलूं, ताकि आप लोगों को भाई कैसे आपको भेजा जा रहा, किस तरह से भेजा जा रहा। तो बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि भाई आप जिम्मेदारी लो उस चीज़ को। भाई एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिस ऑफिस में आप जा रहे हैं, जिस ऑफिस में आप जा रहे हैं, जाने के बाद में वहाँ पर पूरा तहकीकात करें, तहकीकात करने के बाद में आप अप्लाई करें। आपसे ये नहीं बोला जा रहा कि भाई आप जाने के साथ में ही अप्लाई कर दो, और हर चीज़ अप्लाई करने के बाद में फिर जो है पैसा अगर किसी भी कारण, मैं फुल जो है अगर वीडियो बनाता हूँ तो फुल चीज़ पहले देख लेता हूँ कि सामने वाला ऑफिस लीगल है अनलीगल है, क्या है क्या नहीं है, कितने दिन से ये काम कर रहा क्या नहीं कर रहा, तो वो सारी चीज़ मैं देखने के बाद में ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आपके साथ में किसी भी तरह से कोई भी चीज़ गलत होती है तो वहाँ पे वो चीज़ आप देखें कि भाई ऑफिस में आप गए थे, अगर मैं आपको मिल रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा हूँ तो आप वहाँ पे खुद देख लें कि भाई मेरा जो काम हो रहा है ऑफिस लीगल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेके फुर हो जाएगा या कहीं भी चला जाएगा। तो वो चीज़ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है ना। डायरेक्टली खाली वीडियो देखने के बाद मैं ये मत सोचिएगा वीडियो देखा और हम अप्लाई कर दें, तो पहले आपको भी तहकीकात करना चाहिए उसके बाद में अप्लाई करना तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने सोचा ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, ताकि आपके भी माइंड में जो रहता ना कि हमें मिलना है आपसे,
तो वो भी आपके माइंड से निकल जाएगा। मैं आपको जो है, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर आप आएंगे ऑफिस के एड्रेस दे दूंगा, आएंगे बात हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाएगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा कि आपको देनी चाहिए, तो वो चीज़ मैंने आप तक पहुँचाई है। और रही मेरी बात, तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मैं ऑफिस में हूँ, आप लोग आए तो मुझसे मिलेंगे तो बहुत खुशी है, मैं भी आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे उस चीज़ की जानकारी है, भाई मैंने वीडियो बनाया हुआ। तो लेकिन जो जिम्मेदारी रहती है वो ऑफिस वाले की है, ठीक है ना। जो ऑफिस का मेन ओनर है उसकी जिम्मेदारी है, आप उससे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर आप मेरे ऊपर उंगली उठा दें किसी तरह से, भाई आप आपको हमने ये करा किया था, आपकी वीडियो देखी थी, ये करा था, वो करा था, तो उसमें मैंने भी अबाउट में अपने यूट्यूब के लिख रखा है कि मेरा चैनल या मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो ठीक है ना। अगर किसी भी तरह से आपके साथ में गलत होता है तो पहले आप खुद तहकीकात करिए, जहाँ तक मेरे अंदर नॉलेज है इस फील्ड में, इंशाल्लाह मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, तो जहाँ तक मुझसे कोशिश होती है तो मैं आपके लिए जैनवन ऑफिस की ही वीडियो बनाता हूँ, और जैनवन ऑफिस में ही आप लोगों को भेजता हूँ, और बहुत सारे लोगों से तो मैं मिल भी लिया हूँ, ताकि उनका काम अच्छे से हो जाए, और किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं फुल हेल्प करता हूँ, ठीक है ना, जहाँ तक मुझसे हो सकता है। तो बस मेरी यही, मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ बता दी जाए कि क्यों कमेंट बॉक्स बंद किया हुआ, क्यों मैं आप लोगों से मिल नहीं पाता हूँ अगर आप ऑफिस आते हैं तो। वो सारे उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर क्लियर हुई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं क्लियर हुई तो दोबारा से इस वीडियो को देख लें तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो वीडियो मैं बनाऊँ आपके सामने लेकर आऊँ, जो इन्फॉर्मेशन दूँ जॉब से रिगार्डिंग, तो वो किसी अच्छे ही ऑफिस से जो काम करते हुए हैं फील्ड में, इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उन्हीं का वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो पाए और उसमें आप अच्छे से अपनी लाइफ को सेट कर सकें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑफिस आते हैं तो सबसे मेन चीज़ आपके ऊपर फ़र्ज़ बनती है, अगर आप पैसा देते हैं तो पहले आप भी तहकीकत करें ये ऑफिस कितने दिन से काम कर रहा है, कितने दिन से काम नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ का आप भी ख्याल रखें। खाली ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दें कि भाई हाँ ये पूरे जिम्मेदार हैं, हम इनके भरोसे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ करेंगे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा शायद आप YouTube पे जाएंगे तो मेरा अबाउट भी देखें, तो मैंने उसमें साफ साफ क्लियर 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 लिखा हुआ पूरा टोटल करके, ठीक है ना। ना ही मैं ना ही मेरा चैनल इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है, अगर आप पैसा दे रहे हैं किसी भी तरह से आपका पैसा फंस रहा तो इस चीज़ का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। आपको मेरा सिर्फ मैं इतना करता हूँ, आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ और आपको वो चीज़ बताता हूँ जो अच्छे से अच्छी सैलरी वाली वैकेंसी होती है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ का खास करके ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि सर हम तो आप पे बिलीव करते हैं, उस पे बिलीव करते हैं, तो भाई बिलीव करो, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाऊँ वो बिल्कुल जेन्युइन हो गए और आप लोगों के साथ में बिल्कुल गलत नहीं हो गए। अगर 5% या 2% या जितने भी अगर थोड़ा बहुत गलत भी होता है आपके साथ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ से आप गए हैं जिस ऑफिस से, तो उस ऑफिस का तहकीकात करें, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना था, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि खाली मेरे ऊपर पूरा इल्ज़ाम डाल देंगे कि भाई हम आपके थ्रू गए थे वो सारी चीज़, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके सभी ये पहले चीज़ें शेयर कर दी जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि बाद में प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो गए तो मेरे ऊपर आप उंगली उठाएं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ऑफिस वालों ने मना किया हुआ कि डायरेक्टली हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मत दीजिए, क्योंकि उनका और भी काम रहता है, उनका यही बिजनेस है, तो इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट अपना नंबर दिया हुआ। जो बंदा ऑफिस तक पहुँचता है मैं उसको प्रॉपर एड्रेस देता हूँ, प्रॉपर गाइड करता हूँ, वो बंदा ऑफिस में जाता है, बात करता है, सारी चीज़ हो जाती है। अगर किसी को मैं मिला हूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर मैं मिला हूँ तो वहाँ पर भी आपको उस ओनर से बात करनी चाहिए जो ऑफिस का ओनर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी, मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए देना पसंद की क्योंकि अब आप लोगों का प्यार काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं आप लोग प्यार, क्योंकि वीडियो को भी आगे शेयर करते हैं और अल्लाह करम से अब सब्सक्राइबर भी काफ़ी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो आगे वीडियो को और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और मैंने इसलिए समझा आप लोगों को ये सारी चीज़ बताना क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली जाकर बोलते हैं कि हमें उनसे मिलना है, तो वहाँ पे बाय चांस ऐसा होता, जैसे कभी कभी मैं जाता हूँ जैसे किसी भी काम के बारे में बात करने के लिए, तो मैं बंदों को मिल जाता हूँ, तो पहचान हो जाती है, लेकिन उसके कारण मैं नहीं होता हूँ तो मैं डायरेक्टली एक ऑफिस में तो रहता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप काम किसी ऑफिस का मैं एड्रेस आपको दे रहा हूँ, आप जा रहे हैं
वहाँ पे जो जिम्मेदार रहेगा वो ऑफिस का ओनर रहेगा, ना कि ये जो बंदा वीडियो बना रहा है आप बोलेंगे हमने उसको पैसा दिया था, ये किया था, वो किया था, उसके भरोसे दिया था, तो उस चीज़ का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आप जहाँ पे ऑफिस से काम करा रहे हैं वो ऑफिस वाला आपका जिम्मेदार है, ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको बता दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी देनी, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधुओं के साथ, मैं आपको पता है कि कमेंट बॉक्स बंद करने के बाद में तो सुकून है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे भाई बंधु बोलते थे कि भाई ऐसे तो आप पैसा मांग रहे हैं पहले से ही, पहले ये चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ कर रहे हैं। हालांकि मैं जो चीज़ थी वो वीडियो में पहले क्लियर करता था कि भाई आपको एडवांस में इतना करना है इतना करना, और जिसमें नहीं करना होता तो मना करता था। तो मुझे लगा कि वो सारी चीज़ें, मेरे पास में काफ़ी सारे कॉल्स मैसेज वगैरह आए कि हमने उसमें किया तो गलत हुआ लोगों के साथ में, तो मैंने कमेंट बॉक्स इसलिए बंद किया, और मैंने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन इसलिए दी ताकि आपकी भी गलतफहमी दूर हो जाए कि हम आप इनके बिलीव पे पैसे दे रहे हैं, अपने बिलीव पे दे रहे हैं। तो आप जहाँ से भी काम करा रहे हैं तो वहाँ पर पहले देख लें, सारी चीज़ देख लें, और जिम्मेदार वही ऑफिस वाला जो ओनर रहेगा वो रहेगा, ना कि मैं रहूँगा, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर हूँ, अगर आप पैसा तब भी दे रहे हैं तब भी भैया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उस चीज़ का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, और कुछ और वैकेंसीज हैं तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के और बताऊंगा। तो आप इसी तरह से वीडियो प्यार दिखाते रहिए, इंशाल्लाह मैं आपके सामने काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, और पहले से कर रखा है तो तहे दिल से मैं आपका शुक्र अदा करूँगा कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह मैं और भी बेहतरीन बेहतरीन रिक्वायरमेंट लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए कोई फ्री रिक्वायरमेंट भी लेकर आऊँ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।